अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। कुछ दिन पहले मैंने अपने पेज पर एक छोटे से पॉट की पिक शेयर की थी, तो मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ये पॉट हमें बनाना सिखाएं। तो ये बहुत इजी है, ये छोटा सा पॉट जो है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि कुछ डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे स्पेयर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा पॉट बनाया जाए उन्हें यूज़ करते हुए। तो एक जो मैंने यूज़ किया है कप वो ये है, मोस्टली इसमें चटनी वगैरह आती है, और दूसरा ये है कप। तो इनकी जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि ये कप जो है नीचे वाला जो है वो बड़ा है और ये थोड़ा सा उससे छोटा है। इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, इसकी कटिंग नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हमने इसकी कटिंग कर दी तो फिर हमें निकालने में मुश्किल होगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ें जो आपको चाहिए वो है सीमेंट। सीमेंट जो ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये सिंपल वही यूज़ करना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थिक बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। और ये कप्स में मैंने बजरी भर दी है, उसकी वजह ये है कि जब हम इसे सीमेंट में रखेंगे तो इसका इसके वेट की वजह से ये जो कप है ना वो सीमेंट के अंदर जाएगा। तो इस वाले जो है पॉट, इसके नीचे मैंने ड्रेन होल नहीं रखा क्योंकि ये छोटा सा है तो मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अगर आप चाहें तो ड्रेन होल रख सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम बना लेते हैं ये सीमेंट का मिक्सचर। तो इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये मिक्स हो जाए। आपने इतना डालना है अपने अंदाजे से कि ये मिक्स हो जाए जी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा जो पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बस आपने ये कर लेना है कि सीमेंट को पहले छान लेना है ताकि इसमें किसी किस्म के लंप ना बने, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप इसको बेटर है कि 2-3 मिनट इसे मिक्स करते रहें जी। तो अब हम मटेरियल जो है वो कंटेनर में डालना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखा देती हूँ चारों तरफ से। ये देखें, बिल्कुल इसके ऊपर तक आ गया। और इसी तरह हम बाकी जो जो कंटेनर है ना उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। और इसको अगर बिल्कुल मिडल में रखने के लिए हम इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा देंगे जी। तो ये मैं 5 पॉट बना रही हूँ, इनको 24 घंटे के लिए जो है आपने रखना है। उसके बाद आप इसे रिमूव कर सकते हैं, इसके यानी ये जो मोल्ड है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स सी के क्या रिज़ल्ट रहता है 24 घंटे बाद इसका। ओके जी, 18 घंटे गुजर चुके हैं, अब इनको हम जो है मोल्ड से निकाल लेते हैं और चेक करते हैं। ये इसीलिए यूज़ किया था मैंने जो है ना मोल्ड नरम, ताकि उसको आराम से निकाला जा सके बीच में से जी। तो ये आप देख सकते हैं, अब अगर तो आप इसे पानी में रख देते हैं तो ये वाला जो है मोल्ड वो भी बच जाएगा, वरना आप किसी भी नाइफ से इसको कट करके तो इसको अलग कर सकते हैं। मैं अलग करके दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने अंदर वाला जो मोल्ड था वो निकाल लिया है, अब बाहर वाला थोड़ा सख्त होता है। तो उसका तरीका ये है कि पानी में इनको भिगो दें, पानी अंदर जाएगा, वैसे भी पानी इनके लिए ठीक होगा। जितना पानी में ये भीगेंगे उतने ही ये मज़बूत होंगे। तो मैं इन्हें पानी में भिगो देती हूँ जी। तो ये मैंने पानी में भिगो दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो अंदर जाएगा और ये जो बाहर का कप है ना वो अलग हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे ये फाइनल रिज़ल्ट जो है ना वो शेयर करूँगा। ओके जी, ये मैंने कट करके इसका रिमूव कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये पॉट जो है वो रेडी हो गया है। अंदर से भी आप देख सकते हैं, ये जो एजेस हैं इनको आप जो है इवन करने के लिए सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं करके तो फिर आपसे आपको दिखाती हूँ। सर्कुलर मोशन में आप इसको ऐसे यानी कि घुमा के तो इसके जो एजेस हैं उनको शार्प कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये फाइनल रिज़ल्ट है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो।
तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं इनमें सकुलेंट्स लगा के आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये इस वक्त ये क्राइसेंथेमम लगा हुआ है इसमें, ये छोटे से पॉट में, ये पहले बनाया था। आप इसे पेंट कर सकते हैं, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप इसे पेंट कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।